गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में हम क्लास 8 में स्टडी कर रहे हैं लेसन 1, जिसका नाम है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस लेसन के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पहले अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज ए रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या है। रिसोर्सेस इज ए सब्सटेंस दैट फुलफिल आवर नीड्स, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह क्या है, संसाधन। सेकेंड जो हमारा वीडियो था वो था टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेस, कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। यानी रिसोर्सेज जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने नेचुरल पढ़ा था, प्राकृतिक संसाधन जो दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद था ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसे ह्यूमन ने अपनी एबिलिटी यानी योग्यता से क्या किया है, रिसोर्सेस में कन्वर्ट किया है। तीसरा था टाइप्स ह्यूमन, ह्यूमन यानी हम खुद मानव, मानव भी अपने आप में क्या है स्टूडेंट्स, एक प्रकार का रिसोर्सेस है। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारा टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेस। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में जो नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था, रिसोर्सेस दो प्रकार के बताए गए थे नेचुरल में, एक तो था रिन्यूएबल और एक था नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेस वे हैं जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, ये वो है जो कुछ समय के बाद वापस उसी अवस्था में उपयोग लेने हेतु तैयार हो जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन से हैं, जिन्हें एक बार यूज लेने के बाद दोबारा उपयोग नहीं लिया जा सकता। जैसे अगर हम कोयले को जला देते हैं तो जलाकर उसका उपयोग लेने के बाद कोयला किस में बदल जाता है, एश, राख में बदल जाता है, उसी कोयले का दोबारा उपयोग नहीं होता। लेकिन जो सनलाइट है, सूर्य की जो धूप है, उसे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा, जैसे आज हमने अगर सूर्य की धूप का उपयोग सोलर लाइट को चार्ज करने में किया, नेक्स्ट डे हमें सूर्य से उतनी ही रोशनी क्या है, वापस मिल जाएगी। तो ये फर्क होता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा था, उसमें नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, एक लिमिटेड स्टॉक में है, और अगर उनका यूज वाइजफुली नहीं किया गया तो एक दिन वे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेस, वो है कि जो संसाधन हमें मिले हुए हैं उन संसाधनों को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। कंजर्व का अर्थ हो गया संरक्षण, बचाए रखना, वाइजफुल यूज ऑफ द रिसोर्सेस। चतुराई से हमें इस प्रकार रिसोर्सेस का उपयोग करना है कि वो लंबे समय तक बने रहें और मानव प्रजाति के लिए उपलब्ध रहें, काम आते रहें, मिलते रहें, और आने वाली पीढ़ियों को भी वो रिसोर्सेस मिलें। अगर कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जिन्हें हमने अगर इसी तरह उसे लगातार यूज करते रहे तो एक दिन वो क्या हो जाएंगे, समय आने पर खत्म हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कंजर्विंग रिसोर्सेस। आपके ये जो लेसन है वो इसके बुक्स के पेज नंबर 4 पर है। इस पर अगर आप स्टडी करेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेस की, तो पहले एक शॉर्ट स्टोरी में कुछ आपको समझाया गया है। स्टोरी क्या है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मोना हैड ए नाइटमेयर। मोना एक लड़की है आप ही की तरह, जिसे एक नाइटमेयर यानी रात्रि स्वप्न आता है। नाइटमेयर का अर्थ होता है रात्रि में सोते समय देखा गया सपना। उसे एक नाइटमेयर आता है, सपना आता है। सी ड्रीम्ड, वह सपने में देखती है दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, कि पृथ्वी पर जितना भी पानी था वो सारा क्या हो गया, सूख गया। ऑल द ट्रीज कट डाउन, सारे पेड़ जो है वो काट दिए गए हैं। देयर वाज नो शेड, कोई छाया नहीं है। एनफ टू ईट एंड ड्रिंक, न खाने के लिए कुछ है और न ही पीने के लिए कुछ बचा है। देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट टू ड्रिंक, पीपल वाज सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड। अब लोग इस स्थिति में क्या कर रहे हैं, सफरिंग भुगत रहे हैं, चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं, desperately looking for the food and shade, भोजन की और छाए की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं। आप इस वीडियो में जो एक पिक लगी हुई है, इस पिक में भी आप एक देख सकते हैं कि एक छोटी सी पिक है जिसमें एक लड़की है मोना, जो स्वप्न देख रही है, और सपने को भी ऊपर दिखाया गया है जिसमें जानवरों के कंकाल दिखाई दे रहे हैं, पेड़ जो है जिनके नामों निशान मिट चुके हैं, सब कटा हुआ है, न छाया है, न भोजन है और ना ही पानी है। She told her mother about the dream. उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया और पूछा, अम्मा कैन दिस रियली हैपन्स, क्या ऐसा हो सकता है, आप बताइए स्टूडेंट्स, क्या ऐसा हो सकता है। तो यस, ऐसा हो सकता है। अम्मा ने भी ये रिप्लाई किया, यस इफ वी आर नॉट केयरफुल
that even renewable resources can become very source and the non-renewable can definitely excluded. यानी renewable तो जो है वो तो renewed होंगे, लेकिन अगर non-renewable नहीं होंगे तो एक दिन वो क्या हो जाएगा, excluded यानी समाप्त हो जाएंगे. What can we do it? राजू asks. राजू ने भी पूछा. फिर हम क्या करेंगे मम्मी? तो मम्मी ने उन्हें बताया कि using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource कंजर्वेशन. यानी संसाधनों का केयरफुली उपयोग करना है और उन्हें वापस बनने के लिए, यानी पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ वापस लगाए जाने चाहिए, पानी अगर हम वेस्ट कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पानी को बचत करें. यानी क्या लिखा है, यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली, जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उन्हें, उनका यूज जो है वो केयरफुली किया जाए और उन्हें समय दिया जाए ताकि वो दोबारा बन सके. ये चीज क्या कहलाती है स्टूडेंट? रिसोर्सेस कंजर्वेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है कि कंजर्विंग रिसोर्सेस. ये रिसोर्सेस साथ स्टूडेंट बैलेंसिंग. अब कंजर्विंग कैसे करेंगे हम? कंजर्विंग करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेस एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यानी हमें क्या करना होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनका यूज इस तरह करना होगा कि वो आज भी हमारे लिए उपयोगी बने रहे और भविष्य में भी हम उसका उपयोग कर सके. ये चीज क्या कहलाती है स्टूडेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कि हमें किस पर ध्यान देना होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा. देयर आर मेनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, कई तरीके हैं रिसोर्सेज को बचाने के लिए. अब आपके घर में जैसे पानी की का नल लगा हुआ है, आप उसमें वेस्ट पानी को वेस्ट मत कीजिए. एक बार पानी को यूज करते तो उस पानी का दोबारा यूज करने का प्रयास करें. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन. सबसे पहला तो क्या होगा कि हमें हर वस्तु का उपयोग भी सोच समझ कर करना होगा. आवश्यकता से अधिक जैसे नहाते समय पानी का उपयोग करते हैं तो जितने पानी में नहाया जा सकता है उतने ही पानी का उपयोग करें, ज्यादा पानी का उपयोग न करें. रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, किसी भी वस्तु का जो है वो एक से अधिक बार उपयोग करें. जैसे कई व्यक्ति जो अपने घर में बाथरूम बनाते हैं, नहाने का जो पानी होता है वो जब घर से बाहर निकलता है तो ऐसी जगह जाता है जहाँ कुछ पौधे लगे हुए रहते हैं. तो पानी का क्या हो गया, एक बार नहाने में यूज, दोबारा यूज किस में हो गया? पौधों में जाने के लिए भी हो गया. तो हमें क्या करना है? रिड्यूस यानी उपयोग को कम करना है. रिसाइकल, दोबारा उसको यूज लेना है. अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंट बिकॉज ऑल ऑफ लाइफ आर लिंक्ड, क्योंकि हमारा जीवन उन्हीं चीजों के साथ जुड़ा हुआ है. हम जीवित हैं या हम जब तक सर्वाइव कर पाते हैं जब तक ये रिसोर्सेस हैं. इन रिसोर्सेस के खत्म होने के साथ ही हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा? संकट में आ जाएगा. और ये सभी जो रिसोर्सेस कंजर्वेशन है इसके लिए स्टूडेंट्स, आप जो बच्चे हैं ये सबसे ज्यादा अपनी सहभागिता दे सकते हैं, आप इसमें सबसे ज्यादा सहयोग कर सकते हैं. एवरिंग एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करके. That evening, the children and their friends. अब शाम को जब राजू और मोना अपने दोस्तों के साथ गए, made packet and shopping bags out of the old newspaper. हमारे घरों में भी old newspapers आते हैं, तो बच्चों ने मिलकर क्या किया? पुराने अखबारों से क्या बनाए? Paper bags, जिसमें सामान डाला जाता है. तो जिन्हें हम discard ऐसे use करके फेंक देते हैं, तो उनका use उन्होंने कर दिया. Discarded clothes and basket from the bamboo stick. Bamboo stick भी थी उनके पास, उन्होंने टोकरियां बनाना शुरू किया. We will give a few every family. उन्होंने कहा ये बनाकर हम क्या करेंगे? कई फैमिली में बांटेंगे ताकि वो इसका यूज कर सके. तभी उनमें से बैठा हुआ एक लड़का है जिसका नाम था मुस्तफा, उसने कहा टू सेव आवर रिसोर्सेस एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव. कि हम सभी को क्या करना चाहिए? अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि हम अपने रिसोर्सेस को बचा सके, अपनी पृथ्वी को बचा सके और हमें खुद को बचा सके. उसने क्या कहा, उसने आगे कि आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर. कि मैं कभी भी कागज या पेपर को वेस्ट नहीं करता. सेड जेसी, जेसी ने कहा मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर. आपको पता है पेपर जो है वो पौधों से, पेड़ पौधों से बनता है. कागज जो है वो पेड़ पौधों से बनता है. तो उसे बनाने पेड़, जितने ज्यादा हम पेपर को वेस्ट करेंगे उतने ही ज्यादा पेपर्स की आवश्यकता होगी और उतने ही ज्यादा पेड़ों को काटा जाएगा. नेक्स्ट में क्या कहा, आई विल सी द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड माई हाउस शॉर्टिंग मुस्तफा. मुस्तफा ने क्या कहा, मैं अपने घर में कभी भी बिजली को वेस्ट नहीं होने देता. यानी आपके घरों में भी कई बार बेवजह पंखे, कूलर, लाइट्स एक्सेट्रा चलते रहते हैं, स्विच ऑन ही रह जाते हैं. कई बार हम घर में जब सबसे ज्यादा यूज करते हैं मोबाइल का, मोबाइल का चार्जर हम कई बार देखते हैं कि चार्जर लगा हुआ है, पिन लगी हुई है, लेकिन स्विच ऑन रहता है तो भी वो
क्या होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, वेस्ट होती है। तो मुस्तफा ने क्या बताया कि मैं अपने घर में बिजली का वेस्टेज बिल्कुल नहीं करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कॉयल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए क्या लगता है, वाटर और कॉयल लगता है, जो हमारा रिसोर्सेस है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो नो डाउट अप्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे, वाटर और कॉयल को भी बचाएंगे। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। उनमें से एक लड़की थी आशा, जिसने क्या कहा कि मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरे घर में पानी का वेस्टेज न हो, पानी की हर बूंद का क्या हो, उपयोग हो। क्यों? एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की एक एक बूंद क्या है स्टूडेंट्स, कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, कॉरेस दैट द चिल्ड्रन। बच्चों ने कहा हम सब अलग अलग काम कर सकते हैं, अलग अलग तरह से प्रयास कर सकते हैं। आपको भी स्टूडेंट इस तरह का प्रयास करना होगा ताकि हम अपने रिसोर्सेस को क्या कर सकें, बचा सकें। रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस हैं उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़कर जा सकें। दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। मोना, राजू, इन सब ने मिलकर क्या किया है, रिसोर्सेस को बचाने का प्रयास किया है। वॉट अबाउट यू, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए। हाउ आर यू डूइंग टू हेल्प इन योर कंजर्विंग रिसोर्सेस, आप कैसे रिसोर्सेस को कंजर्विंग करने में, संरक्षण करने में योगदान दे सकते हैं, ये भी आपको सोचना होगा। क्या आप पानी बचाते हैं, क्या आप इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं, क्या आप पेपर का वेस्टेज होने से उसे बचाते हैं। आपको भी स्टूडेंट सोचना होगा कि किस तरह आप इस कंजर्विंग रिसोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं और इन रिसोर्सेस को बचाने में सहयोग कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद द रिसोर्सेस। हमारी अर्थ यानी जो प्लेनेट है उसका जीवन, हमारा जीवन और रिसोर्सेस का जीवन आपस में क्या है स्टूडेंट्स, लिंक है, जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें क्या करना होगा, देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें रिसोर्सेस को क्या करना होगा, कंजर्व करना होगा, सुरक्षित करना होगा, बचाना होगा और एश्योर होना होगा कि हम उसका वेस्टेज न करें। इसके लिए क्या करना होगा, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर सस्टेनेबल, जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं वो सस्टेनेबल्स हैं। ऑल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, हमें जो भी लाइफ है अर्थ पृथ्वी पर, जीवन जो है पेड़ पौधे रिसोर्सेज उनको बचाना होगा। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, हमें एनवायरमेंट का नुकसान कम से कम करना होगा। इसी के साथ स्टूडेंट आपके इस बुक के पेज नंबर जो 6 है 5 है उस पर सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे रेस्पेक्ट एंड केयर ऑल ऑफ फॉर्म्स ऑफ द लाइफ, जीवन के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं इस धरती पर उपलब्ध हैं उनका हमें रेस्पेक्ट आदर करना होगा। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ जो है हमारे जीवन को उच्च स्तर या अच्छा बनाने का प्रयास करना होगा। कंजर्व द अर्थ विलिटी एंड डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु इन सबको भी क्या करना होगा, कंजर्व बचाना होगा। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिले हुए हैं उनको खत्म होने से बचाना होगा, उनका यूज भी क्या है मिनिमाइज करना होगा, कम करना होगा। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, हमारी जो पर्सनल एटीट्यूड है उसे बदलना होगा, जैसे वेस्टेज ऑफ वाटर को रोकना होगा, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसे कम करना होगा, पेपर का यूज, वेस्टेज ऑफ पेपर या पेपर का यूज कम से कम करना होगा। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर ऑफ देयर ओन एनवायरमेंट, और हमारी जो कम्युनिटीज है समुदाय सोसाइटी इसमें अवेयरनेस लानी होगी ताकि वो क्या कर सकें, कंजर्विंग रिसोर्सेस में उसका हिस्सा बन सके। सो स्टूडेंट्स आज हमारा ये लेसन 1 है वो कंप्लीट हो रहा है इस वीडियो के साथ। ये हमारा थर्ड वीडियो है, पार्ट थर्ड है। इसी वीडियो के साथ आज मैं क्लास 8 में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज हैं उनके क्वेश्चन और आंसर की एक पीडीएफ भी अपलोड कर रहा हूँ। आप उसे अपनी नोटबुक में वर्क के रूप में करें और नेक्स्ट वीक या भविष्य में आपको कॉपी चेक करने के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है। थैंक यू।